हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई भर्ती आ चुकी है। आपकी जो भर्ती है मध्य प्रदेश में सीएससी जिला मैनेजर की भर्ती होनी है दोस्तों, और दूसरी भर्ती होनी आधार कार्ड से भरा बाजार की। तो अब हम आपको इस वीडियो बताने वाले आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बहुत से आवेदन कमेंट थे कि सर इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, वो इस वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो की स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। आप लोगों ने दोस्तों मेरा एक ही निवेदन रहता है, आप लोग चैनल पर नए चैनल कर लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की इस तरह की इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको तुरंत हमारे चैनल के माध्यम मिल सके। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट पोर्टल पर, और ये आ चुके हैं देखिए पोर्टल पर। आपको दोस्तों यहाँ पोर्टल पर आ जाना है, यहाँ पर सीएससी ग्रामीण, ठीक है, यहाँ पर पोर्टल पर। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताने वाला हूँ मैं सीएससी मैनेजर की भर्ती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सीएससी मैनेजर पर क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पे अप्लाई पर। देखिए यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। देखिए आपका जो दोस्तों पद रहेगा तो वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर का पद रहने वाला है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट रहेगा दोस्तों, ठीक है। यानी जो इसमें डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताऊंगा मैं कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में, उसमें एक पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। यदि हम बात करूँ दोस्तों योग्यता की, तो देखिए यदि आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग दोस्तों आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो भी आपको ये रहने वाला है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सैलरी की, तो 25,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख लें। कंप्यूटर का आपका डिप्लोमा दोस्तों होना यहाँ चाहिए, कम से कम 6 रहेगा सर्टिफिकेट 6 मंथ का कम से कम, ठीक है। तो आप लोग देख लें, और 2 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। अब हम देखिए कहाँ कहाँ रहने वाली मध्य प्रदेश में, तो देखिए मध्य प्रदेश दोस्तों आपका होने वाली, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में आपकी दोस्तों रहेगी यहाँ पर आगर मालवा में रहने वाली है, देवास में रहेगी, रतलाम में रहेगी। तो 3 जिलों में यहाँ पर निकाली गई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की भर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ जाने वाली एज आपकी रहेगी 24 से 35 रहेगी, मैक्सिमम जो एज यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और आप लोगों को एप्लीकेशन था एक्सेप्ट, ठीक है, सीएससी ग्रामीण नौकरी पोर्टल पर ही ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको बताऊंगा मैं कहाँ से करना है, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे एक्सेप्ट पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे एक्सेप्ट। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे सामने जाएगा फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगी, ठीक है, ईमेल आईडी। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, आपका जेंडर कैटेगरी, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका स्टेट का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, आपका जिले का, ठीक है, ब्लॉक का नाम आ जाएगा, आपका गाँव का, शहर का, जो भी है वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पे आओगे, आपकी एजुकेशन है तो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है वो डालना पड़ेगा, ठीक है, या जो अदर जो भी वो डाल सकते हैं, अदर मान लो कोई है। इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर आओगे तो उसके आपने कहाँ पर काम किया, ठीक है, उसका डेट डालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, वहाँ पर कब तक आपने काम किया, यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलती थी वो आपको डालना पड़ेगी, ठीक है, करंट सैलरी क्या है वो डालना पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो रहेगा आपका रिज्यूम वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर करना रजिस्टर, इतना ही दोस्तों आपको करना है सी एस सी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में। अब हम चलते हैं आधार वाले में, ठीक है, उसमें क्या रहने वाली है, आधार वाले की भी कुछ कमेंट थे। अब देखिए आप बताने वाला हूँ मैं आधार कार्ड वाला हूँ, ठीक है, जो आधार सुपरवाइजर की भर्ती के लिए। तो देखिए दोस्तों बता दूँ पहले मैं, आधार सुपरवाइजर वो ही आवेदक आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पहले आधार का एग्जाम दिया है और उनके पास जो सर्टिफिकेट है तो वो लोग इसमें कर रहे हैं दोस्तों आवेदन। देखिए यहाँ पर क्या मांगा हुआ है, आधार सुपरवाइजर का पद आपका रहने वाला है, यानी जो पोस्ट रहेगी आपकी वो रहेगी आधार सुपरवाइजर की पोस्ट रहेगी। इसमें दोस्तों ओनली 12वीं प्लस कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर मांगा हुआ है, ठीक है। आवेदन आप लोग ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करना है वो देख लो आप लोग ऑनलाइन। तो आप लोग यहाँ पर जाओगे, ठीक है, और ये पढ़ लेना आप लोग और कहाँ कहाँ भर्ती निकली हुई, क्योंकि मैंने संबंध वीडियो पहले बना दी, आप लोग देख लें, भोपाल में, मंडला में, निवाणी में, राजगढ़ में, टीकमगढ़ में, ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं। इसके पश्चात ग्वालियर में आपकी रहने वाली है, ठीक है, यहाँ पर देख रहा ग्वालियर, रीवा, दमोह, उज्जैन, सतना, ठीक है, यहाँ पे आपकी मध्य प्रदेश में रहने वाली, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जाकर देख लें। अब देखिए यहाँ पर देख रहा आपको ये, इस पर क्लिक करना है दोस्तों, फिर करना आपको एक्सेप्ट क्लिक। जैसे ही आप लोग यहाँ पर एक्सेप्ट क्लिक कर लेते हैं हमारे सामने ये जाएगा, यहाँ पर हमको डालना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल लिया, अब मेरे ओटीपी है, चेक ओपन यहाँ पर डालूंगा आप ओटीपी अपना। अब देखिए दोस्तों जैसे ही आप लोग ओटीपी डालते हैं इसके पश्चात आप लोगों के सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो नाम है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपको मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, ठीक है, आपका जहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पर आप मैरिड हैं अनमैरिड वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है।
इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर फादर्स नेम आपका और मदर्स नेम, ठीक है, यहाँ पे आपका करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्री आपको डालना पड़ेगी, पिन कोड डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, स्टेट आप डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपका परमानेंट सेम है तो वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात आपकी एजुकेशन, भाई यहाँ पर 12वीं मांगा तो आप लोग यहाँ पर 12वीं डालने और भी डाल सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर डालने। इसके पश्चात यहाँ पे आप लोग यदि आपने कहीं ना कहीं काम किया तो वो डाल सकते हैं, नहीं किया तो नो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपकी आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पर करनी तो मालूम मुझे करनी मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश से करूँगा। यहाँ पे जिले का नाम आ जाए कि जिले में करनी, तो आप लोग मैंने अभी जो बताई थी कहाँ कहाँ जो वैकेंसी निकली आपको दोस्तों वो आपको देख लेनी, ठीक है। तो मान लो जो वैकेंसी आपको निकली थी टीकमगढ़ में थी दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ मैं क्लिक कर लिया और यहाँ पर हम आ जाएगा हम प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस मैं कहाँ पर देना चाहता हूँ तो फिर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर जो भी जिले में निकली मान लो देवास में थी तो यहाँ पर मैं कर लूँगा देवास, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डालना है, 3 बार डालना है कि भाई आप पहली कहाँ चाहते हैं, फिर दूसरी कहाँ चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, फिर आपको UID सर्टिफिकेट नहीं, आप लोगों ने जिन आवेदकों दोस्तों यहाँ पे सुपरवाइजर का एग्जाम दिया है, सुपरवाइजर का एग्जाम होता है उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर डर और वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा और आपको जो रिज्यूम रहेगा वो अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पे आपको टिक करके और यहाँ पर स्टेप क्लिक कर देना तो आपको हो जाएगा सबमिट, फिर आपको जो भी लोकेशन दी जाएगी वहाँ पर आपको करना पड़ेगी जॉब, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा इंफॉर्मेशन है, बहुत से कमेंट थे अभी तक कोई सर इसका आवेदन कैसे बनना है तो हमने बता दिया आप लोगों को, ये पूरा पढ़ लेना आप लोगों को। इसमें वो ही है सुपरवाइजर, वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सुपरवाइजर का दोस्तों एग्जाम दिया हुआ है, उनके पास सर्टिफिकेट है, इसका एग्जाम होता है और बाकायदा इसका, ठीक है, डेट में जो भी डेट फिक्स दी जाती है आप लोग उस डेट पर आपको एग्जाम देना पड़ता है तब आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल पर सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक्स।